लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीवान जी, हमारा वर्ली की जमीन का सौदा हो गया और पार्टी ने हमें 40 लाख रुपए दिया। बहुत ही अच्छा हुआ योर हाइनेस, इसी डील के लिए तो आप इतने दिनों से बंबई में ठहरे हुए थे। अब आप एक काम कीजिए, इस रुपए को यहाँ तिजोरी में रख दीजिए, कल सुबह बैंक भिजवा दें। कोई बात नहीं योर हाइनेस, आपकी तिजोरी भी तो किसी बैंक के वार्ड से कम नहीं। ये देखिए आपके पिताजी द लेट हिज हाइनेस ने इसे हर तरह से महफूज कर रखा। इसे बंद करके जब इस जाली में बिजली का करंट छोड़ा जाता है तो फिर इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। दीवान जी, अगर किसी वजह से बिजली का करंट ऑफ हो जाए तो? करंट बंद होते ही इसका अलार्म फौरन ही पास वाले पुलिस स्टेशन में हो जाएगा और पुलिस 5 मिनट के अंदर अंदर यहां पहुंच जाएगी। योर हाइनेस, करंट ऑन कर दो। जो आप मुनासिब समझिए कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि रुपया रात भर हिफाजत से रहे। जी कर दिया और रात को पहरा भी ज्यादा कर दूंगा। ये लीजिए चाबी। दीवान जी, क्या वाकई इसमें करंट है? जी हाँ, बाहर से कुछ पता नहीं चलता लेकिन इसको हाथ लगाना जान देने के बराबर है। ये लीजिए। क्या लीजिए? ये लीजिए, इसको जाली पर फेंकिए और देखिए। ये तो बहुत अच्छा इंतजाम है। और हाँ दीवान जी, रात में महाराजा सचिनगढ़ के पास हूं, सुबह वापस आ जाऊंगा। यस योर हाइनेस। यस, कौन ठीक है? बोल रहा हूँ। रुपया पहले इसमें आ गया है, लेकिन याद रखो सिर्फ आज की ही रात यहाँ रहेगा। तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। और बाकी लोग? तुम उनकी फिक्र ना करो, तुमने अपना काम कर दिया, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा।
अभी नहीं आया, वो तो हमेशा ही लेट आता है। आज कैसे वक्त पे आ जाएगा? एज यूजुअल। माफ करना लीजिए, मुझे आने में जरा देर हो गई। दरअसल बात ये थी कि मैं कन्हैया, कोई नया बहाना ढूंढा करो। हेलो हेलो, देखिए आज की ये मीटिंग है किस लिए? प्रोफेसर, महीनों की मेहनत के बाद आज वो दिन आया है जिसका हम सबको इंतजार था। रुपया पैलेस में पहुंच गया है और आज ही रात हमें वहां से उड़ाना है। बोलो, सब लोग तैयार हो? ऑल राइट ऑल राइट, बी काम नाउ। संपत, यस दीके, जानते हो तुम्हें क्या करना है? पहले दीवार पर से चढ़कर छत पर जाना है, फिर रस्सी के जरिए रोशनदान में से होकर हॉल में आना है, और फिर हॉल से गुजरकर पैलेस का दरवाजा खोलना है, और ये सब सिर्फ 3 मिनट में। 3 मिनट के ऊपर 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। कर सकोगे? 100%। जॉन, हम अपना काम जानता है मैं। बाबू, आई एम रेडी सर। मोहन, एब्सोल्युटली फिट। और कन्हैया, अपनी वैन तैयार खड़ी है, सिर्फ रात का इंतजार है। वेल प्रोफेसर, मेरा मैजिक बॉक्स तैयार है। गुड, एक बार सब फिर गौर से प्लान समझ और इस बात का ख्याल रखें कि हमारी आज रात की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ एक चीज पर है, और वो है वक्त। हमारे लिए हर सेकंड कीमती होगा, समझे कन्हैया? अगर जरा सी भी चूक की तो कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाए, इसलिए हर आदमी को एक बात का ख्याल रखना चाहिए, और वो है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी।
दरवाजा खोलो चंपा। कौन है? कौन है बात? बहादुर सिंह, राम सिंह, बात कौन है? बोलता क्या नहीं? से दूर रहो, इसमें कोई हाथ न लगा, इसमें करंट है। मालूम है, तुम अपना काम जल्दी शुरू करो। जल्दी करो, हमारे पास 3 मिनट है। बंद हो गया, चैतन्य सुन लो जाओ, थोड़े तक जल्दी देखो। ठीक है ठीक है, चल बड़ा कन्हैया, जल्दी करो, वक्त बिल्कुल नहीं। बस हो गए प्रोफेसर, संभालो इसे। प्रोफेसर, जल्दी सेफ काटो, लेकिन ख्याल रखो, जाली में अब करंट है। संपत, तुम बाहर का ख्याल रखो। बॉसमैन, क्या हुआ था? तार थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी, लेकिन वापस आ गई है। चलो गाड़ी वापस लो। Thank you.
देखिए कन्हैया तुम मेरी फिक्र न करो, ये लो रुपया लेकर उस निकल जाओ जल्दी। मैं तुम्हें हालत में छोड़कर नहीं जाता हूँ, जल्दी करो। मैं पुलिस को धोखा देकर उस तरफ ले जाता हूँ, कल सुबह 10 बजे मेरे घर जाओ, जाओ जल्दी। तुम्हारा जख्म कैसा है? ठीक है, तुम्हारे इलाज का शुक्रिया प्रोफेसर। इसमें शुक्रिया क्या बात है, मुझसे जो हो सका वो मैंने किया। देखे अब भी तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो। नहीं नहीं प्रोफेसर, ये देखो पुलिस जानती है कि हम में से एक आदमी को गोली लगी और इस वक्त बॉम्बे की सारी पुलिस उस आदमी को तलाश कर रही है। मैं डॉक्टर के पास जाने की बेवकूफी नहीं कर सकता। वेल बीके, थैंक यू प्रोफेसर। लगता है अब हम बाजी जीत गए। प्रोफेसर पीके ने आज तक हारने वाली बाजी में हाथ ही नहीं डाला। मैं तुम कन्हैया किधर है? मुझे क्या मालूम। तो फिर किसे मालूम है? अरे यार कमाल के आदमी हो, मैं तो तुम्हारे सामने आ रहा हूँ और मुझे क्या मालूम कन्हैया कहाँ है। लेकिन बात क्या है? अरे यार वो अभी तक आया नहीं है। मैं कहता हूँ वो कहीं पकड़ा तो नहीं गया? अगर वो पकड़ा जाता तो हम सब अब तक गिरफ्तार हो गए होते। लेकिन वो है कहाँ जो अब तक आया नहीं? मैन हो सकता है वो बीमार पड़ गया हो, क्या प्रोफेसर? क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। तो हमें चलकर देखना चाहिए। चलो चलो चलो। ठहरो, कोई नहीं जाएगा। उसके पास हमारा रुपया है, वो आ जाएगा। वो तुम्हें कैसे मालूम? मुझे उस पर भरोसा है। What? कैसे तुम सब पर भरोसा है? लेकिन बीके हमें कुछ करना चाहिए। प्रोफेसर इनकी रोशनी में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, हमें शाम तक उसका यही इंतजार करना होगा। और शाम तक वो अगर रुपया लेकर भाग गया तो? मेरा नाम पीके है, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। पाताल की बातें करते हैं, शाम तक मैं उसे रुपए खर्च करा दे तो? You're right. 40 लाख, वो भी एक दिन में। क्या भी फूल? फूल? कौन फूल? यू फूल, तेरा बाप फूल, तेरा बाप से बंद करो ये तमाशा, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो। बाबू चलो उधर बैठ, मोहन उधर जाओ। Thank you.
लगता है कन्हैया चला गया यहाँ से। साला हरामी हमारे 40 लाख रुपए लेकर के भाग गया। ठीक है अंदर है। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। सरदार हमारे 40 लाख रुपए लेकर भागना इतना आसान नहीं। नीचे उतरो। अपना मनहूस चेहरा इस तरफ घुमा हरामखोर और बता के हम सबके खून पसीने की कमाई वो 40 लाख रुपया कहां है। तुम राजा? राजा जी हाँ, किसी रियासत का नहीं बल्कि दिलों का। वैसे तो हर तिजोरी अपनी जागीर है और हर जेब अपनी मिल्कियत, लेकिन तुम वहां क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, खाली मकान देखकर लालच आ गया। अच्छा तो तुम चोर हो? जी हाँ, मामूली सा, जो आप जैसे महारथियों के सामने कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मैं तो समझा था कि पुलिस मेरा पीछा कर रही, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि किस्मत मेरे पीछे भागी। या पत्ते हो? अब बनने की कोई जरूरत नहीं। आज के अखबारों की हेडलाइन 40 लाख रुपए का डाका और डाकू लापता, और मेरी खुशकिस्मती देखिए वही डाकू मेरे सामने खड़े। वैसे घबराइए नहीं, मैं आप लोगों की असलियत किसी को नहीं बताऊंगा। हम तो एक ही बिरादरी के हैं और आप जानते हैं कि मुंह बंद रखने की कीमत होती है। ज्यादा नहीं, सिर्फ कन्हैया का हिस्सा। अबे ओए, मुझे हिस्से की पड़ी है, अपनी जान ही बचा ले तो गनीमत है। ठहरिए ठहरिए, जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। इसमें हर्जी क्या है? मैं कन्हैया को ढूंढ निकालने में आपकी मदद करूंगा। ओ माय गॉड, पुलिस! यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। आओ मेरे साथ जल्दी। ये राजा का बच्चा बीच में कहां से आ टपका? पहले ही मुसीबतें क्या कम थी कि एक मुसीबत और खड़ी हो गई। मैं जब मुसीबत खड़ा हो ही गया तो उसको तो बिठाना मांगता है। हमारी बात मानो तो राजा को ढूंढो और उसके फैसला कर लो। अरे क्या बच्चा यार, पहले कन्हैया को तो ढूंढ ही रहे थे, अब राजा को भी ढूंढो। ये तो तुम क्या करेगा मैन, बोलो क्या करेगा तुम? अरे मैं अकेला क्या करूंगा? ठीक है तो पूछो, प्रवक्ता से पूछो। सोचने दो मुझे। बीके बीके बीके, एक बात का पता चला है। किस बात का? एक लड़की अक्सर कन्हैया के घर आती है, कल भी वो वहाँ आई थी। कौन है वो? कैबरे डांसर है होटल में, मेरा ख्याल है उससे पता चल सकता है। मालूम है कौन से होटल में काम करती है? हाँ। Thank you.
Thank you.
कर रहे हैं। तो इस तरह हर रोज तुम एक नए आदमी को सांप से डसवा कर मार डालती हो। हमारा भी एक आदमी कल से गायब है, कन्हैया। कहाँ है वो? कौन कन्हैया? मैं किसी कन्हैया को नहीं जानती। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, तुम उसके पास हर रोज जाती हो, कल भी तुम वहां थी। कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूं। बेवकूफ लड़की, क्यों मुसीबत मोल लेती है? बताओ कहां है वो? मैं किसी को नहीं जानती। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन। आगे मत बढ़ो, लड़की मेरे कब्जे में। कौन हो तुम? वही आपका पुराना खादिम राजा। राजा, तुम यहां भी? खबरदार, अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। चाहते क्या हो? रुपए में से हिस्सा। हिस्सा किस बात का? अपनी जबान बंद रखने का। जबान तो तुम्हारी हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त तुम कन्हैया को ढूंढ रहे, और कन्हैया का पता सिर्फ ये लड़की जानती है, और ये मेरे कब्जे में है। पीके, हाँ पीके, मैं तुम सब लोगों के नाम और पते जान चुका। तुम हो बाबू, प्रोफेसर जॉन, मोहन, और तुम संपत। मैन, ये तो बहुत तेज निकला। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे सब के नाम और पते मैंने एक जगह हिफाजत से रख दिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो पुलिस तक पहुंच जाएंगे। जल्दी फैसला करो बीके, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो लड़की तुम्हें मिल सकती। अगर नहीं मंजूर हो तो फिर ठीक है, तुम भी कन्हैया को ढूंढो और मैं भी ढूंढता हूं। जिसे मिल जाए रुपया उसी का। ठहरो, हमें मंजूर है। ये रही लड़की। मत मारो, मैं सब बता देती हूँ, मैं सब कुछ बता देती हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं। कन्हैया कहाँ है? जवाब दो। मिला था, आज उसे कई लाख रुपए मिलने वाले हैं। कितने लाख? कोई 6 लाख। फिर? वो मुझे लेकर पूरे मुल्क के शहर से जाने वाला था, पहले मद्रास। मद्रास किस तरह जाने वाले थे तुम लोग? ट्रेन से। आज सुबह की उसने 2 टिकटें ली थी। टिकटें किसके नाम से ली थी? अपने नाम से? नहीं, राम कुमार। प्रोफेसर, एयरपोर्ट, क्विक। क्या कन्हैया कभी वापस नहीं आएगा? पागल कोई लड़की, वो कमीना हमारा रुपया लेकर भाग गया है। 6 लाख नहीं 40 लाख। संपत्ति 40 लाख? 40 लाख तो कल रात से चोरी। राम कुमार पहली फ्लाइट से मद्रास जा चुका है, और मिसेज राम कुमार, उनका टिकट कैंसिल कर दिया गया है। हमें पहली फ्लाइट पकड़कर मद्रास जाना चाहिए। यस मैन, हरी अप, क्विक, चलो चलो। और ये लड़की हमारे बारे में सब कुछ जान गई है। नहीं,
नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और अब हमारी शक्लें भी पहचान गई। नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानती, मैं किसी को नहीं पहचानती, मैं सब भूल जाऊंगी, मैं सब भूल जाऊंगी। अब इसका एक ही इलाज है देखिए, और वो है मौत। ये काम कौन करेगा? मैं करूंगा। Thank you.
आपने इस आदमी को देखा है? शायद कहीं देखा है। ओ, सिर्फ देखा है? जी नहीं, जानती भी हूँ। नजीर? जी। इन्हें इस आदमी की तलाश है, अख्तर मियां के पास ले जाइए। आइए। शुक्रिया। आप यहाँ ठहरिए। तो तुम कन्हैया को ढूंढ रहे हो? जी हाँ। आप जानते हैं कि वो कहाँ है? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पांच साथी किधर? साथी? कौन से साथी? मेरा कोई साथी नहीं। सकते हो, कन्हैया हमें सब कुछ बता गया। तुम्हारी तलाश तुम यहाँ तक तो ले आई, मगर आगे नहीं जा सकोगे। बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है? मैं आपसे कह चुका हूँ मेरा कोई साथी नहीं। अब नहीं तो थोड़ी देर बाद बताओगे। कन्हैया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता वरना। बताता हूँ, वो हिमाचल के एक गांव रामपुर में। रामपुर? वो हमें कुछ रुपया दे दिया था आप लोगों को खत्म करने के लिए, बाकी रुपया वो वहां देने वाला था। सच बोल रहा है तू? हाँ सच बोल रहा हूँ। याद रख, अगर कन्हैया मुझे वहां नहीं मिला तो मैं वापस आके तुझे खत्म करूंगा। नहीं नहीं, वही मिलेगा रामपुर गांव में। पाताल में जा रहे थे? जी नहीं, रामपुर। वो तो उस तरफ है जहाँ आप खड़े हैं।
अजी मेरा मतलब है मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ? आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। क्यों? एक तो सारा रास्ता आगे बर्फ से ढका हुआ है, दूसरा जल्दी ही जोरों का तूफान आने वाला है, और तीसरा आपको बर्फ पे चलना ही नहीं आता। अजी कमाल है मैम साहब, आपके इलाके में जरा सी बर्फ क्या पड़ गई और आपने उस पर भाषण देना शुरू कर दिया। आइए साहब, आइए। मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? थोड़ी देर क्यों साहब, यह तो जितना दिन चाहे रह सकते हैं, ये तो होटल है। होटल? जी होटल मानसरोवर। कौन है रामू? कोई श्यामा है। तुम यहाँ? तुम तो रामपुर जाने वाले थे ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? जी हाँ, मैं जा तो वहीं रहा था लेकिन इस तूफान की वजह से रास्ता भूल गया, बर्फ से बचने के लिए यहाँ चला आया। मालूम होता है इधर उधर ही चक्कर काटते रहे हो, क्योंकि तुम मुझे जहाँ मिले थे वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। अच्छा, तो मैं यहीं का यहीं भटकता रहा? और क्या, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इस बर्फ में रास्ता नहीं मिलेगा। जी हाँ कहा तो था। चाय पियोगे? चाय तो मैं अवश्य पियूंगा। शक्कर? शक्कर का शुक्रिया, मैं शुक्र के दिन शक्कर नहीं पीता। क्या तुम भी इसी होटल में ठहरी हुई हो? ठहरी हुई नहीं, ये होटल हमारा ही है। तुम्हारा? दीदी मैं बाहर जाऊँ पापा के पास? नहीं जीजू, बाहर बर्फ पड़ रही है, सर्दी लग जाएगी। पापा को सर्दी नहीं लगेगी, शंकर भी तो बाहर है। मालूम है मुझे, वो लोग टैक्सी ठीक कर रहे हैं, तू क्या करेगा वहाँ जाकर? टैक्सी? और यहाँ? हाँ, यहाँ पर दो मुसाफिर ठहरे हुए, उनकी टैक्सी खराब हो गई। जामू, ये लोग बाहर से आई हैं अब तक? अभी आते ही होंगे। ये है मिसेस मार्क्स। नमस्ते। क्यों, गाड़ी ठीक होगी? हो जाएगी ठीक। अब बस पी करो, सुबह से पी रहे हो। क्यों प्राव तुम? अब इसके सिवा रह क्या गया जिंदगी में? रामू बता रहा था कि आप भी तूफान की वजह से राह भूल के यहाँ पे आ गए। जी हाँ, गनीमत थी कि होटल नजर आ गया, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता फिरता। किस्मत वाले हैं साहब आप, कि आपको रास्ता मिल गया, वरना वो किसी ने कहा है ना कि एक गलत कदम पड़ा था राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। बहुत खूब, लेकिन हुजूर ऐसे मौसम में आप इधर कहाँ घूम रहे थे? शायद मैं भी मंजिल ढूंढा। ओ, मिली मंजिल? जी नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन देखें। ले बेटे ले, आज तो कसम की सर्दी बेटे। रामू जी साहब, बाहर छत में मत सोना, अंदर ही सो जाना, बाहर बहुत सर्दी है। अच्छा साहब, माधो साहब आपकी गाड़ी तो ठीक हो गई लेकिन रास्ता बर्फ से भरा पड़ा, ऐसा लगता है थोड़े दिन आपका साथ और रहेगा सर। ओ तो आप ये नए मेहमान, अच्छा हुआ आपको जगह मिल गई। जी हाँ, आप नहीं जानते कितना अच्छा हुआ।
वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो ले आई आपके पास। ऐसा लगता है कि आपको कहीं देखा है। जी मुझे? लेकिन कहां कुछ अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। खैर छोड़िए, सर्दी बहुत है, एक पैग विस्की हो जाए। जी नहीं, मैं चाय पी चुका हूं। आपका शुभ नाम? राजा। राजा साहब आप इस तरफ कैसे आ निकले? बकौल माथुर साहब मंजिल की तलाश कर रहा था। जो अभी तक नहीं मिली ही नहीं। हाँ लेकिन अब ऐसा लगता है कि मंजिल दूर नहीं। जरूर मिल जाएगी। बस तब लाख जरूर। थैंक यू। बर्फ बंद हो चुकी है, मेरा ख्याल मैं चलता हूँ। अजीत साहब ऐसी भी क्या जल्दी है, माधुर साहब जाने वाले हैं, आप इनके साथ चले जाइएगा। जी नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। ऐसी आपकी मर्जी। ये होटल कब से आप लोगों के पास? बस एक ही साल हुआ पापा को खरीदे हुए। ओह एक साल। अच्छा चाय के कितने पैसे? रहने दीजिए, फिर कभी। फिर कभी मैं रास्ता नहीं भूलने वाला। अरे इस बर्फ में रास्ता भूलते क्या देर लगती है। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ा। मैं चलूं? नहीं तुम यहीं बैठो। बाय बाय। वहां उस पहाड़ी के पीछे तुम्हें सुबह वाला रास्ता मिल जाएगा। अब जल्दी जाओ, कहीं फिर से ना बर्फ पड़ने लग जाए। शुक्रिया। वो क्या है? ऐसे शेड है जहाँ घोड़े और दूसरा सामान हम रखते हैं। वहाँ पे रहता है कौन? रहेगा इस सर्दी में अकड़ने के लिए? नौकर तक होटल में सोते हैं आजकल। ओ। और वो सामने मकान किसके हैं? हमारे कॉटेज है लेकिन आजकल बंद है, सिर्फ गर्मियों के मौसम में मुसाफिरों के लिए खोले जाते हैं। तो आप लोग यहाँ बाकी दुनिया से अलग रहते हैं? हाँ वैसे तो मेरे तक यहाँ कोई आबादी नहीं, फिर इस मौसम में तो यहाँ कोई भी नहीं आता क्योंकि पापा बुला रहे हैं। रेशमा नाम अच्छा। और आपका? राजा। राजा ये भी कोई बुरा नहीं। डॉक्टर साहब ये रुख को बचाइए। रुख तो बच गया लेकिन आप शह को बचाइए। माडाला इस मैंने सोचा भी नहीं था। पापा आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे मिसेस माथुर से पूछ लो कि डिनर में क्या खाएंगे, तैयार कर दो बेटे। शाबाश शाबाश। अरे ये बर्फ तो फिर से पड़ने लगी। इस मौसम में बर्फ नहीं पड़ेगी तो क्या जूते पड़ेंगे माधव साहब? वो तो ठीक है लेकिन वो लड़का जो अभी भी आया था कहीं फिर ना फंस जाए। क्या नाम है उसका? अभी मारिए गोली लड़के को, यहाँ बाजी हाथ से निकली जा रही है, आपको उसकी फिक्र पड़ी है। फिर हम लोग का डांस सुखाता है। एवरीबॉडी क्या तुम्हारा मतलब है कन्हैया मिल गया? हाँ बेटे कन्हैया मिल गया। राजा तुम्हें यकीन है कि वो कन्हैया ही है? साल भर की तलाश में उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने दिन रात घूमती रही है। ठीक है मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? वो कन्हैया मंडल।
हो चुका। अभी कन्हैया और रुपया हमारे हाथ नहीं लगा जो इतने खुश हो रहे। कहाँ है वो? यहां से 3 मील दूर है खुदर, आबादी से दूर बिल्कुल अलग। और उस होटल का मालिक फिकर मत कर, थोड़ी देर में कन्हैया को भी लाकर तेरे साथ बांधूंगा। यह संपत्त कूड़े। और तुम क्या क्या कर रहे हो? तो मालिक का शक ठीक था, तभी उसने हमको यहां रखा था। राजा ठीक है, लाइट जलाओ, उसकी बंदूक मेरे पास है। बड़ी तकलीफ है प्रोफेसर, रास्ते घबराओ नहीं, थोड़ा सा जख्म हो जाएगा। संपर्क घबराओ नहीं, ठीक है, इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए हमें यहाँ चलना चाहिए। ठीक है, चलो सब लोग चलो। तुम लोग जाओ, मैं संपत के साथ चलूंगा। नहीं, मुझे वहां हर आदमी की जरूरत है, मगर संपत तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें बहुत ही जल्दी आकर ले जाएंगे। अच्छा देखे, जाओ तुम लोग, मगर ये रोशनी और ये बोतल मेरे पास छोड़ जाओ। ठीक है, चलो सब लोग आ जाओ। ओके संपत, थैंक यू, थैंक यू। कुत्ते, इन 7 आदमियों में गोली मारने के लिए मोहिम मिला था, मोहिम। Thank you.
राजा, कन्हैया कौन से कमरे में? ऊपर पहला कमरा। और बाकी सब? नीचे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। प्रोफेसर, मोहन को लेकर इस कमरे में जाओ। जॉन, तुम इस कमरे। राजा, तुम उधर। बाबू, मेरे साथ आओ। बाबू, कन्हैया को आराम से सोफे पर बिठा दो। पापा, ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर ये लोग चुप रहो लड़की, जबान बंद रख। चल छोड़ो। मैन, हम इसको बोला तुम गड़बड़ करेगा तो तकलीफ में आएगा। मैन, हमारा बात नहीं माना, आया ना तकलीफ में? आया ना तकलीफ में? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुत्ते की तरह क्यों पीटा जा रहा है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या समझ रहे? कहा ना चुपचाप बैठी रहो, आखिरी क्या तमाशा है? मैनेजर, कौन है बदतमीज लोग? हाँ पापा, ये लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? अगर अपनी और अपनी बीवी की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप बैठ जाओ। हम लोग कौन हैं, क्या हैं, सब मालूम हो जाएगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जॉन, बाबू, संपत को अंदर ले आओ। प्रोफेसर, दरवाजा बंद कर लो। राजा, मोहन, इस होटल का कोना कोना छान मारो, सब हथियार अपने कब्जे में कर लो। जाओ। कन्हैया, अपनी जगह बैठ जाओ। पापा, ये लोग क्या? लड़की, आपके पास ले जाते हो जल्दी। चलो मैं खाली करो। पापा, कोई संपत, ये लो। बीके, थैंक यू बीके। खाली, इन सबको लॉक करके चाबी अपने पास रख लो। राजा, देखा क्या हालत कर दी है तुमने संपत्ति? मैंने एक तो लुटेरों की तरह घर में घुसाए, हम सबको जबरदस्ती यहां ला पटका, बात तक नहीं करने देते, ऊपर से ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो,
आगे तुम लोग हो कौन? क्या हम लोग कौन हैं? तुम हमें नहीं पहचानते? नहीं, इनमें से किसी को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। बाबू देखिए, ये कहता है कि ये तुम्हें नहीं जानता। क्यों कन्हैया, इतनी जल्दी भूल गए हमें? कौन तुम? एक तोहफा मेरी तरफ से। तुम मेरे को मार रहे हो, तुम तो हमारे साथ नहीं थे। क्यों, हाथों की गर्मी ने दिमाग की खिड़कियां खोल दी? भूली हुई यादें वापस आने लगी। बोल, हमारा रुपया कहाँ है? बताओ कितना क्यों रखा है? जाओ, छोड़ दे इसे। कन्हैया, बता दो रुपया कहाँ रखा है? रुपया मुझसे खर्च हो गया। झूठे मोहन, पागल ना बनो कन्हैया, हमें मालूम है तुमसे कितना रुपया खर्च हो गया है, बाकी कहां रखा है? बाकी बॉम्बे सेफ डिपॉजिट में है। रुपया वहां और तुम यहां। कन्हैया, मैं तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह समझता हूं, जहां रुपया वहीं तुम। कहां रखा है रुपया? नहीं बताता झूठी। तुम अभी बताओगे क्यों हमें खामखाई तकलीफ देते हो? तुम्हारी मर्जी। यार ये कौन से रुपए की बात कर रहे हैं? यू शट अप मैन। ये लोहे की सिलास इस वक्त ठंडी, लेकिन ये दहकते हुए अंगारों की तरह गर्म भी हो सकती है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम चाहे मेरे टुकड़े कर डालो। तुम्हारे टुकड़े? तुम तो हमारे दोस्त हो कन्हैया, हम तुम्हें क्यों कुछ कहने लगे? लेकिन हाँ, नहीं नहीं विके, नहीं, तुम इस मासूम पर जुल्म नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम मुझे नहीं जानते कन्हैया, मुझे कोई नहीं जानता, अपने आप को सिर्फ मैं ही जानता हूं। पापा ये सब क्या हो रहा है? बीके, ये तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो प्रोफेसर, इस वक्त मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, जाओ। मिस्टर, तुम ये काम नहीं कर सकते, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। बाबू, नहीं मैं हाजिर हूं। बताओ कहाँ है रुपया? बता दो पापा, बता दो। बोलो कन्हैया। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, रुक जा। बहुत जल्दी होश आ गई कन्हैया, कहाँ रखा है रुपया? पहले वादा करो कि इसके बाद तुम मुझे और मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं दोगे। मैं वादा करता हूं, अगर तुम ठीक रहे तो। बोलो। यहां से थोड़ी दूर एक गुफा है, मैंने रुपया वहां जमीन में दबा रखा। तो जल्दी चलो। नहीं, रात के अंधेरे में ये कहीं भी भाग सकता है, हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। कितना रुपया बाकी कन्हैया? तकरीबन 35 लाख। Thank you.
तो गद्दार सही तो मक्कार सही, तू गद्दार सही तू मक्कार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही, नहीं हमसे तुझको तुझको पैसे से प्यार सही, लगा ले बोतल होंठों से घूंट दो यार सही, मजा आ जाएगा यारा नशा खा जाएगा यारा, तू गद्दार सही तू मक्कार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही, जमाना डोलेगा खजाना खोलेगा, जमाना डोलेगा खजाना खोलेगा, अली बाबा खुल जा सिम सिम सवेरे बोलेगा, धर्म कांटे में लूट का माल बराबर तोलेगा, धर्म कांटे में लूट का माल बराबर तोलेगा, ये दीवाना अपनी महबूब का घूंघट खोलेगा, मजा आ जाएगा यारा नशा जा जाएगा यारा, गद्दार सही और तू मक्कार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही, जमीनों का न शौक नगीनों का, नजर की चाह मुझे अरमा नहीं इन तीनों का, मैं प्यासा हूँ कई सालों का कई महीनों का, मैं प्यासा हूँ कई सालों का कई महीनों का, लगा दूंगा मैं मेला घर में शोक हसीनों का, मजा आ जाएगा यारा मक्कार सही तू मक्कार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही, मतवालों से क्या बचना जालों से, कहूँ मतवालों से क्या बचना जालों से, अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से, अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से, इधर आओ न दिल बहलाओ सिर्फ ख्यालों से, इधर आओ न दिल बहलाओ सिर्फ ख्यालों से, न खो जाना लिपट के प्यालों से, मजा आ जाएगा यारा जा जाएगा यारा, thank you.
पीछे मुझे बर्दाश्त नहीं होता की समझदार थी आज तुझसे ही निपट लेता बालों के बच्चे ये मत भूलो कि मैं लालची के मामूली चोर के साथ साथ एक खूनी भी आइंदा मुझसे निपटने की कोशिश की तो तुम्हारे चाकू से तुम्हारी गर्दन साफ कर दूंगा समझे क्या तमाशा हो रहा है कुछ नहीं देखे इसका जरा जोश ठंडा कर रहा तुम लोग बदता हुआ काम बिगाड़ दोगे जब मिल रहा है खास नहीं तो गुड्डे को कुछ जाती बातें करें खबरदार जब पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया ऐसे ही अपना वायदा निभाओगे बीके इस दलील मकैनिक की मजाक कि मेरी बेटी किसी पर हाथ डाले मोहन कमरे के बाहर जाओ जाओ कन्हैया इसकी तरफ से मैं माफी मांगता जाओ पापा अपने चोर और लुटेरे साथियों के पास जिनके साथ मिलकर तुमने चोरी की थी रेशमा तुम नहीं समझती ये रुपया मैंने किसके लिए चुराया तुम्हारे लिए हमारे लिए चोरी करने की क्या जरूरत थी मैं तो स्कूल की नौकरी करके अपना और चीकू का गुजारा कर ही रही थी पापा तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने माँ को भी मार डाला रेशमा हाँ पापा तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही माँ का इलाज ना हो सका अगर मुझे मालूम होता कि तुम चोरी का रुपया लेकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ नौकरी छोड़ के यहाँ कभी नहीं आती कन्हैया ना कोई अंदर से बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा समझे जाओ सब लोग सुबह तक आराम करो तुम कहाँ चले तुम तो मेरे सबसे पुराने दोस्त हो नहीं है सुबह के लिए तैयार हो ना Thank you.
मैं कन्हैया को लेकर गुफा से रुपए लेने जा रहा हूँ। तुम लोगों में से कोई भी एक मेरे साथ चल सकता है। हम सब क्यों ना चले? इसलिए कि संपत बीमार है, उसके पास किसी का रहना जरूरी है, और फिर यहाँ दूसरे लोग भी, उन पर भी नजर रखना जरूरी है। कौन जाएगा तुम्हारे साथ? तुम बोलो। मैं चलूंगा। सबको मंजूर है? नहीं मैन, हमको मंजूर नहीं। तो फिर कौन जाएगा? तुम जाओगे क्या? हाँ मैन, हम जाएगा। नहीं मैं जाऊंगा। नहीं मैन, मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। हम नहीं जाएंगे। बकरी की तरह मैं लगा रखी, जरा सी बात के लिए बच्चों की तरह लगते हो। जॉन मोहन बाबू, तुम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। पर कौन जाएगा? तुम? नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा, प्रोफेसर जाएगा। मैं? हाँ प्रोफेसर, क्योंकि हम सबको तुम पे भरोसा है। क्यों बाबू? ठीक है, प्रोफेसर को जाने दो। ठीक है, रुपया जाएगा तो सबका जाएगा, मेरा क्या है। चलो कन्हैया, आओ प्रोफेसर। चला मोहन, याद रहे कल रात जैसी कोई हरकत ना होने पाए। और तुम्हें भी याद रहे भी के रुपया लेकर तुम्हें सीधा यहीं पहुंचना है। मोहन, कान की जबान उसकी मौत की वजह भी बन सकती है, समझे? चलो। मोहन की मौत इतनी आसान नहीं बीके जितनी तुम समझते हो। लोग रुपया लेकर जल्दी आ जाए तो अच्छा है। भाई गॉड, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है मैन, इस पर डेविल का साया है। बहुत पड़ रही है। कम इन मैन, कम इन। वाह भाई माथुर, तू तो बिल्कुल डॉक्टर जैसा काम कर दिया। ये डॉक्टर है? ये डॉक्टर है? थैंक गॉड, तुम ना होते तो मेरा हाथ तो आज काम से गया था। अब बोल कमीने, अब क्या कहता है? अब मैं तुम सबसे गिन गिन कर बातें लूंगा, एक एक को ठीक करूंगा। साफ तो कहिए डॉक्टर साहब, मरने से पहले अपनी ख्वाहिश बोल दे, खूब खा ले, खूब पी ले। सुधरेगा जानता नहीं, बंदूक खाली है। गोलियां किधर है? अभी तुमको देता है गोली। चलो बात कराओ। थैंक यू डॉक्टर। आप अपने कमरे में जाइए। क्या ये सच है कि तुम्हें डॉक्टर हो? हाँ, तो अब तक संपत का इलाज क्यों नहीं किया तुमने? मैं पूछता हूँ, अब तक संपत का इलाज क्यों नहीं किया तुमने? मैं किसी का इलाज करने के काबिल नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता। मैं कुछ समझना नहीं चाहता डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारा दोस्त अंदर मर रहा है। तुम डॉक्टर होकर अब तक उसका तमाशा देखते रहे, आप चलकर उसका इलाज करो, वरना मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, समझे? राजा, चलो। हालत बहुत खराब है, इसे फौरन ऑपरेशन की जरूरत है, जो मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर, मेरे पास ऑपरेशन के लिए औसार नहीं, सामान नहीं। जो कुछ भी यहाँ है तुम उसी से काम चलाओ, ये वक्त नजाकत दिखाने का नहीं। तुम समझते क्यों नहीं, ये मामूली ऑपरेशन नहीं, टांग काटनी पड़ेगी। क्या? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं? नहीं, अगर टांग ना काटी तो मर जाएगा रात्र में, क्योंकि सारे बदन में जहर फैलता जा रहा है। तो फिर ऑपरेशन करो। जो कुछ है यहाँ तुम्हारे सामने, इन्हीं से ऑपरेशन करना होगा। इसी डॉक्टर मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। और एक बात याद रहे, तुम्हारी जिंदगी का तारो मदार संपत की जिंदगी पर है,
बाबू ये चाकू छुरी किसके लिए इकट्ठा हो रही है? ऑपरेशन के लिए। किसका ऑपरेशन? तुम्हारी टांग काटनी है ना। मेरी टांग? मेरी टांग कौन काटेगा? ए माथुर, तो डॉक्टर निकला फिर तुम्हारी टांग काट देगा। तुम बिल्कुल नहीं बाबू, मेरी टांग को नहीं काटेगा। नहीं संपर्क, किसी को हाथ नहीं लगा दे तुम अपनी टांग को। कुछ नहीं होगा तुम्हें। संपर्क बाबू, संपर्क संपर्क मुझे कोई डॉक्टर का बच्चा मेरी टांग नहीं काट सकता। मेरी टांग मेरी जिंदगी है बाबू, मेरी टांग मेरी जिंदगी है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और जब ना मैं तुम्हें गोली मारूंगा। होश में आओ संपर्क, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। सब जानता हूँ, हटो मेरी टांग कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता, हटो निकल जाओ। क्या मतलब? संपर्क फायरिंग के अंदर क्यों? पागल हो गया है, ऑपरेशन करने को नहीं मानता। वो मरना चाहता है क्या? मैं अंदर जाता हूँ। नो मैन, वो तुमको शूट कर देगा। संपत, सुनो संपत, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या है? मैं अंदर आ रहा हूं, मेरे हाथ खाली, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। चुप जाओ राजा। किस बारे में बात करनी है? तुम्हारे सर्कस के बारे में। क्या? मैं सोच रहा था संपत कि अगर तुम्हारी सर्कस वाली स्कीम अच्छी है तो क्यों ना मैं भी अपने हिस्से का रुपया उसी में डाल दूं। जरा सोचो संपत, 15 लाख रुपए से हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्कस बना सकते हैं। सच पूछो संपत, तो मुझे उस वक्त का इंतजार है जब तुम अपने आलिशान सर्कस में झूले के ऊपर अपना कमाल दिखा दिखा कर दुनिया को तंग करो। और सोचो संपत, तुम्हारा कमाल देकर सारा पंडाल तालियों से गूंज उठेगा। राजा, एक बात बताओ संपत, तुम वाकई इतने माहिर हो या यूं ही हमें बनाते रहते हो? राजा, मैंने तुम लोगों से कभी झूठ नहीं बोला। अरे झूले का तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर। कमीने, कमीने, पागल मत बनो संपत, तुम्हारी टांग को नहीं काटेगा। अगर जख्म में से गोली नहीं निकाली गई तो तुम मर जाओगे। नहीं, मैं जानता हूँ तुम सब कमी हो, तुम सब मेरी टांग काटोगे। तुम मुझसे विश्वास करो, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे संपत। तुम ऑपरेशन होने दो संपत। राजा, राजा भगवान के वास्ते मेरी टांग मत कटवाना। नहीं कटवाओगे? वादा करते हो? हाँ मैं वादा करता हूँ। वादा करते हो तुम? अच्छा तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। डॉक्टर जॉन, बाबू तुम वहां ठहरो। मैं संपत, इसे तुम पी लो। मगर राजा, फिक्र मत करो संपत, डॉक्टर कोशिश करो कि इसकी टांग बच जाए। मैं कोशिश करूंगा कि ये ऑपरेशन हो जाए। ठीक है, जगह वैसी की वैसी जैसे मैं छोड़ कर दिया था। मालूम होता किसी को पता नहीं चला, लेकिन लेकिन खोदना पड़ेगा। खोदा कमाल है बीके, कल सारा दिन हम लोग यहां बैठे रहे और रुपया यहीं पड़ा। क्या तुम लोग? हाँ, कल रात तक हम लोग यहां रहे। अगर हमें मालूम होता तो तुम्हें तकलीफ क्यों देते? यह गद्दार है ही तकलीफ के काबिल। जा जल्दी कर।
नहीं मास्टर। तुम्हारे सीने के पार हो सकती है, समझे? विदेश जिंदगी का सफर पूरा हो गया है प्रोफेसर, ऐसा ना हो। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें उठाकर नीचे ले जाऊंगा। तुम्हें तो अपना ही बोझ उठाना मुश्किल हो रहा है, और मैं तो उठ ही जाऊंगा इस दुनिया में। नहीं प्रोफेसर, नहीं। बीके बीके एक वादा करो बीके। बोलो प्रोफेसर। अब किसी का खून नहीं बहेगा। प्रोफेसर, मैं वादा करता हूं, जब तक वो पर हाथ नहीं उठाएगा मैं किसी का खून नहीं करूंगा, इस कुत्ते का भी नहीं। थैंक यू बीके। थैंक यू प्रोफेसर। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, तुमने भी साथ छोड़ दिया।
जिंदगी में बहुत कुछ देखा लेकिन ये नोट जलने का तमाशा नहीं देखा। कन्हैया तुमने बीके जैसा भी दूसरा नहीं देखा होगा। चल उठा कर जा। बड़ा ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तेज किया है इस फुलाने को। मार डालोगी? मार डालो मेरी जान, मार डालो। हम तो पहले ही तुम्हारी इन अदाओं के जख्म के पीने के लिए थे हैं। और से? कमीने, आगे मत बढ़। मैं कहती हूँ रुक जा, रुक जा। कहीं नाजुक कलाई में मुश्ते नहीं आ गई? वाह वाह वाह, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी।
पहले बॉक्स नीचे रख दो। चलो तुम्हारा बाप क्या था? उसने हम सबके साथ गद्दारी की, उसकी वजह से संपत की मौत हुई, उसने मुझे मार डाला, उसने प्रोफेसर की जान ली। प्रोफेसर की ही नहीं, लगता है बाबू की। क्या बाबू भी? हाँ, कन्हैया यहाँ आया था, तुम दोनों में लड़ाई हुई और सीटू को लेकर अंदर जा, जो मैं कहता हूं वो करो। ये मैं ले लेता हूं। लेकिन तुम्हारा पिस्तौल कहां है? मैं बर्फ में गिर गया। जब तुम बाहर आए तो तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं था? नहीं। माय गुडनेस, अगर पहले मालूम होता तो मैं तो तुम मुझे मार डालते। जितने आदमी कम उतना रुपया ज्यादा। क्यों मैं वो? हाँ, वो ख्याल पहले था लेकिन अब नहीं है। अब हम तुम्हारे पास में देखिए, राजा और जॉन हमें मारने का प्लान बना रहे हैं, क्यों ना हम पहले उनको खत्म कर दें। लुक में वो देखो, वो लोग का नियत कुछ खराब मालूम होता है, वो हमारा ऐसा खाना मांगता है मैन, इससे पहले कि वो हम पर वार करें हमें उनको खत्म कर देना चाहिए। मैं करेक्ट होशियार रहो, हम बीके से बात करते हैं। आप लोग अपने कमरे में जाइए।
और बीके हमारा हिस्सा बांट दो। नहीं, अभी नहीं। यहाँ कई खून हो चुके हैं, गोलियां चल चुकी, कोई भी किसी वक्त यहाँ आ सकता है। हमें पहले यहाँ से कहीं और चलना होगा। नहीं मैन, हमको हमारा हिस्सा भी मांगता है। शट अप! बीके ने जिंदगी में जो चाहा है वही हुआ है और आइंदा भी वही होगा, समझे? सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, लेकिन पहले हमें यहां से कहीं और चलना होगा। वन, थोड़े तैयार करो, जाओ। रेशमा, मैंने बहुत दुख किया तुम्हें रेशमा, मुझे माफ कर देना बेटे, मुझे माफ कर देना। ना रो मेरे बच्चे, ना रो, ना रो। बीके, ये रुपया खूनी और मनहूस, इसे कोई नहीं ले जा सकता। ये किसी को नहीं मिलेगा बीके, ये किसी को नहीं मिलेगा। रुपया मेरे कब्जे में है कन्हैया। हाँ, इस वक्त है, लेकिन रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, ये अपने राजा से पूछो। राजा को मैं पहचान गया हूं, लेकिन तुम नहीं पहचाने। बीके, ये रुपया तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम भी मेरी तरह बाजी हार चुके हो बीके, तुम भी बाजी हार चुके हो। नहीं, बीके ने कभी हारने वाली बाजी में हाथ ही नहीं डाला। जीत हमेशा मेरी थी, इस बार जीत राजा की होगी। राजा हम सबसे बड़ा क्रूक है। क्या बकता है मैं? मैंने इसकी वोट। क्या कह रहा था कन्हैया तुम्हारे बारे में? मुझे क्या मालूम। कहते हैं मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता। घबराओ नहीं, बीके ने जिंदगी में कभी किसी साथी को धोखा नहीं दिया और खुद भी धोखा खाने से होशियार रहा है। घोड़े तैयार करो। नहीं बीके, रिवॉल्वर की तरफ हाथ मत बढ़ाओ, जरा हिले तो गोली से उड़ा दूंगा। तो मौका देखकर तुम भी गद्दारी पर उतर आए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजा। बीके, तुम अब भी नहीं समझे, हालांकि कन्हैया समझ गया था। अब मुझे भी याद आया कि उसने मेरी फोटो कहां देखी थी। कहां? पुलिस के इनामों की लिस्ट। तुम पुलिस में? 2 साल पहले पुलिस फोर्स में मुझे बहादुरी के लिए इनाम दिया गया था। बीके, मैं सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि सीबीआई ब्रांच का इंस्पेक्टर राजकुमार। माय गॉड मैन, तुम पुलिस इंस्पेक्टर? ये झूठ, तुम्हारी चालाकी है। तुम सारा माल अकेले ही हजम कर लेना चाहते हो। तुम चोर और लुटेरे ही नहीं बल्कि खूनी भी हो। हाँ मैन, तुमने हमारे सामने उस जंसे लड़की का खून किया था। वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। और वो लड़की? वो अब भी उसी होटल में नाच रही है। तो अखबारों में उसकी मौत की खबर भी झूठी छपवाई थी ताकि हम तुम पर भरोसा करना शुरू कर दें। वेल डन राजा। मैं चाहता बीके तो तुम लोगों को वहीं गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उससे रुपया नहीं मिलता और मुझे ऑर्डर थे कि तुम लोगों को रुपए के साथ गिरफ्तार किया जाए। अब जबकि रुपया मिल गया है तो क्या कुछ नहीं हो चुका? कितनी जाने फजूल में जा चुकी, लेकिन अब और कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं तुम तीनों को गिरफ्तार करके रुपए समेत यहां से ले जाऊंगा। शंकर, रस्सी लेके आओ। ठीक है,
कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना मैं गोली मारने पे मजबूर हो जाऊंगा। समझ गया जॉन? करने की कोशिश की तो भगवान की कसम गोली मार दूंगा। बॉक्स नीचे रखो। रखो शंकर, शंकर आ गया। हाथ बांधो, हाथ पीछे पीछे। खबरदार, होश में आ जाऊं बीके, पागल तो तुम हो गए हो। जॉन, चल, जल्दी मेरे हाथ खोल दो। बीके, बहुत दोनों अपने लड़के मर जाएंगे और ये सारा मार जाने का जाएगा। कर देना। कानून से बच के भाग नहीं सकते, बाहर आ जाओ। कुल्हाड़ा फेंक तो पीछे, खेल खत्म हो चुका है। नहीं इंस्पेक्टर, खेल खत्म करने के लिए तुम्हें पहले मुझे खत्म करना होगा। तुम्हें तो मैं जिंदा गिरफ्तार करके ले जाऊंगा बीके, रुपए के साथ। रुपया तुम ले जा सकते हो लेकिन बीके को नहीं। चलो चलो।
मैं मजबूर हूं बीके, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं इंस्पेक्टर, मर्द चूड़ियां नहीं पहनते। बीके, तुम बीमार हो बीके, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं। मेरे साथ चलो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। जेल की सलाखों से सर फोड़ कर मरने के लिए या वर्षों के बाद जेल से छूटकर दर दर की भीख मांगने के लिए। बीके, नहीं बीके, नहीं। इंस्पेक्टर, बीके ने जिस शान और दलेरी से जीना सीखा है, उसी तरह मर भी सकते हैं। बीके, पागल मत बनो बीके, मैं नहीं। ठहरोगे? नहीं। रुक जाओ बीके, भगवान के लिए रुक जाओ। नहीं बीके, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। छोड़ दे, बीके, मेरी बात मान जाओ बीके, ऊपर आ जाओ।